नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ में। आज की वीडियो मकर राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, शनि साढ़े साथी को लेकर के, जो कि पिछले एक डेढ़ साल में या दो साल में आपके साथ गया है समय, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उसके बाद शनि का फेज क्या रहने वाला है 2022 में आपके लिए, क्योंकि परिवर्तन होगा और शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे 29 अप्रैल को गोचर करेंगे कुंभ राशि में, और फिर वो एक अच्छा परिवर्तन आपके लिए है। उससे क्या फर्क पड़ेगा और बाकी ग्रहों की स्थिति से क्या फर्क पड़ेगा 2022 में और कैसा रहेगा 2022, किन बातों को आपका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए साढ़े साथी के इस पिक फेज में, इन सब चीजों पे थोड़ी चर्चा करेंगे और वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूं शनि जो मकर राशि में यहां है, और अभी मकर राशि वालों को साढ़े साथी का पिक फेज चल रहा है, ये आप सबको पता है। और ये जो पिक फेज रहा है, ये पिछला जो दो साल रहा है, ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम आपके लिए रहा है। क्रूशियल टाइम इन द सेंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें सिर्फ पेन आपको मिला है। अगर मैं ऑनेस्टली कहूं तो पेन इज अ थिंग विद सनी गिव्स, नो डाउट इन दैट, कि सनी बहुत सारे पेन देते हैं। लेकिन जब आपको पेन देते हैं ना, तो पेन देने का मतलब ये होता है कि वो आपको पेन सहने की शक्ति भी डेवलप करते हैं। इस चीज को थोड़ा समझिएगा, ये मैं बहुत ही डीपली आपको समझा रहा हूं। ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका जो दर्द है वो थोड़ा कम हो सके। जब आपको पेन देते हैं सनी, तो देर आर लॉट्स ऑफ इंटेंशन फॉर दैट, तो दर्द को सहने की भी एक शक्ति वो आपके अंदर डेवलप करते हैं, जो उस समय के निकल जाने के बाद, साढ़े साथी के निकल जाने के बाद आपको रियलाइज होता है। नो डाउट ये दो साल में जो शनिदेव हैं, उन्होंने आपको कई सारे मामलों में परेशान किया है। फैमिली रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफी ज्यादा लोगों से आपने धोखा खाया, काफी ज्यादा लोगों ने आपका तिरस्कार किया, अपनों ने भी आपका तिरस्कार किया, और कई लोगों के जो रियल पिक्चर्स हैं वो आपको शनिदेव ने दिखाए कि रिलेशनशिप में देखो लोग कितने सेल्फिश होते हैं। उसके साथ साथ आपके प्रोफेशन में दिक्कत किया, आपको मानसिक शांति नहीं रहने दी, जो सबसे बड़ी पीड़ा आपको दी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा आपके ऊपर शनिदेव ने रखा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आपके साथ रहे हैं पिछले दो साल में, उन प्रॉब्लम्स को अगर ध्यान में आप रखें, तो कई सारी चीजें उस प्रॉब्लम्स के द्वारा आपके अंदर डेवलप की गई है। अगर आपको अभी समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो आने वाले समय में 2022 में आपको ये चीजें रियलाइज होंगी कि आखिर क्यों इतना पेन आपको शनिदेव ने दिया है। और स्पेशली जब ये साढ़े साथी एंड की तरफ जाएगी, तब कई सारे एक्सपीरियंसेस को आप ले चुके होंगे। तो ये एक छोटी सी चर्चा है जो मैंने आपके साथ की, ताकि आप थोड़ा साढ़े साथी के प्रति पॉजिटिव हो सकिए। ये बातें अभी आपको जरूरत है, क्योंकि साढ़े साथी अभी थोड़ा और कंटिन्यू करेगी आपके साथ। तो देखिए, अभी जो शनि की स्थिति है वो मकर राशि में शनि यहां है, 2022 पे हम जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया ब्रीफ में कि क्या कंडीशन रहा आपके लिए। अभी जो शनि है वो आपके लग्न पर विराजमान है, और जो है वो कुंभ राशि में 29 अप्रैल तक जाएंगे। फिलहाल जब ये 29 अप्रैल को जाएंगे, 28-29 अप्रैल को कुंभ राशि में जाएंगे, पर एक बात सबसे पहले मैं ये कहूंगा, चूंकि दो साल की पिक फेज आपको निकल चुकी है और एक साल पिक फेज का और बचा है, जिसमें कि 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक आपको पिक फेज निकल जाएगा, सेकेंड फेज, और थर्ड फेज आपको लगेगा। तो वो जो एक पीरियड होगा, ये पीरियड होगा आपको ब्रेक का, आपको जो है रिलैक्सेशन का, ये जो पीरियड होगा इसमें धन की स्थिति अच्छी रहेगी। सबसे पहले आपको मेंटल जो इश्यूज हो रहे हैं, आपको जो अशांति काफी फील हो रही है, आपके फैमिली रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये सब चीज सॉल्व होगा जब सेकेंड हाउस में शनि जाएंगे 28 अप्रैल को। तो आप देखेंगे कि आपका जो फैमिली लाइफ है वो बेटर हो रहा है, आपकी मानसिक अशांति आपकी बहुत ज्यादा थी वो बिल्कुल कम हो गई है, तो इन सब चीजों में आपको फायदा नजर आएगा। उसके साथ साथ आय में भी शनि थोड़ी वृद्धि करेंगे, आय भी, इनकम भी आपकी बढ़ेगी। यहां बैठे शनि धन भाव को बल देंगे और दसवीं दृष्टि से आपके आय भाव को देखेंगे, और मूल त्रिकोण राशि में ये अच्छे रिजल्ट्स करेंगे। कुंभ राशि में शनि का रिजल्ट अच्छा होता है, तो उन सब चीजों में, फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड चीजों में आपको फायदा मिल सकता है। वहां पर शनि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको जरूर कर सकते हैं। उसके बाद अगर शनि के बाद मैं देखूं गुरु की स्थिति, गुरु आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और सेकंड हाउस में ये 11 अप्रैल तक बने रहेंगे। वहां से गुरु की दृष्टि पड़ेगी सिक्स्थ हाउस पे, उसके बाद पड़ेगी एट्थ हाउस पे, और फिर पड़ेगी जाकर के आपके टेंथ हाउस पे। तो प्रोफेशन में आपकी स्थिति गुरु अच्छी करेंगे। सिक्स्थ हाउस पे गुरु की दृष्टि बीमारियों को कम करेगी, डिजीजेस को कम करेगी, और एट्थ हाउस पे गुरु की दृष्टि आपकी परेशानियों को
कम करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जब गुरु यहां 12 अप्रैल से मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, ये बहुत ही अच्छी स्थिति होगी गुरु की, क्योंकि गुरु थर्ड हाउस पे लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में बैठेंगे। यहां पे छोटे भाई बहनों से आपके संबंध को बेहतर करेंगे गुरु, आपके पराक्रम को गुरु अच्छा करेंगे, क्योंकि देखिए 12 अप्रैल से पूरे साल फिर गुरु यहां बने रहेंगे, तो आपके पराक्रम को अच्छे करेंगे। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य के लिए चीजें बेहतर होंगी, भाग्य का साथ आपको बेहतर मिलता हुआ दिखाई देगा गुरु के कारण, और गुरु की दृष्टि आपके विवाह स्थान पर भी होगी। तो अप्रैल के महीने से आपको रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में भी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, मैरिज रिलेशनशिप में भी अच्छे रिजल्ट्स आपको, अच्छे रिलेशन आप मेंटेन करके चल पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी आपके मैरिज हाउस पर जाएगी। उसके साथ साथ गुरु आपके आय भाव को देखेंगे, तो आय के लिए भी स्थिति बेहतर होगी। तो अगर गुरु और शनि के समन्वय और इनके जो गोचरीय व्यवस्था है, उस गोचरीय व्यवस्था पर मैं गौर करूं, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आने का समय 2022 में आ रहा है। आपका जो एक ब्रेक कहते हैं ना, कष्टों के बाद एक ब्रेक, वो ब्रेक मिलने का समय आपका 2022 में है। आपके प्रोफेशन को बेहतर करने का समय 2022 में है, आपके भाग्य को बेहतर करने का समय 2022 में है, और ये दो ग्रह गुरु और शनि की सहायता से दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और चीज है, उसके बाद अगर राहु की स्थिति को देखो, देखिए राहु फिफ्थ हाउस में और केतु अभी आय भाव में बैठे हैं। एक सिंपल सा फंडा है, अगर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं कर रहे हो जनरली, तो राहु भी उस वक्त अच्छे रिजल्ट्स करते हुए नहीं नजर आते हैं। ये एक रूल है एस्ट्रोलॉजी का जो मैंने आज तक देखा है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो राहु भी अभी नहीं कर रहे थे आपको, क्योंकि शनि का रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं शैडो हैं, उनके इंस्ट्रक्शन पर भी राहु काम करते हैं, शनि के इंस्ट्रक्शन पर भी कई बार राहु काम करते हैं। तो और कई बार कुछ समय ऐसा होता है जब शनि अच्छे रिजल्ट्स नहीं कर रहे हो, फिर भी राहु कर जाते हैं, ये भी होता है। लेकिन जनरली मैंने देखा है जब शनि अच्छे रिजल्ट्स नहीं कर रहे हो तो राहु भी नहीं करते। तो फिफ्थ हाउस में राहु की स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए नहीं रही है। अगर संतान और शिक्षा की बात करूं तो पिछले 2 साल में उस पक्ष में भी आपको डिस्टर्बेंसेस वगैरह रहे हैं। लेकिन राहु जब फोर्थ हाउस में, केतु टेंथ हाउस में गोचर करेंगे, आपका स्थान परिवर्तन होने का चांस बनेगा, थोड़ा सा अपने प्लेसेस से दूर जाने का चांस बनेगा, और कुछ ग्रोथ आपको प्रोफेशनल मिल सकता है उस टाइम पीरियड में, क्योंकि राहु और केतु भी अप्रैल के महीनों में ही अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। तो अप्रैल के महीनों से या अप्रैल के बाद के जो महीने हैं उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त वो टाइम होगा जब आप अपने व्यक्तित्व को फिर से संवारेंगे, फिर से समझेंगे, और एक अच्छे डिसीजन के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये चांसेस आपका अप्रैल के महीने से दिखाई दे रहा है। तो बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 7:30 एक ऐसा टाइम है, ये आपके निखरने का टाइम है, ये इस चीज को आप समझें। दुनिया को तो समझने का टाइम ये है ही, खुद को निखारने का बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन ओकेजन है, क्योंकि यही वो समय है व्हेन यू डू द मोस्ट स्ट्रगल इन योर लाइफ। मुझे नहीं लगता कि 7:30 के पिक फेज से ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में कभी इंसान की जिंदगी में आता है। तो मैं आपको कहूंगा कि ये एक ऐसा पीरियड नहीं है जो आपकी जिंदगी में सदा चलता रहे, ये एक ऐसा पीरियड है जो समय के साथ निकल जाएगा। अभी आप 1 साल बाद इस पीरियड से बाहर आ जाएंगे, स्पेशली क्योंकि 29 अप्रैल से मई जून 2-2.5 महीने तो आप बाहर रहेंगे, और फिर शनि यहां आ जाएंगे, फिर 2023 जनवरी में शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे, मतलब सेकेंड फेज आपको सही महीने में खत्म हो जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। वापस आएगी तो बहुत दिनों बाद आएगी, लेकिन वो खत्म हो जाएगी। तो आप इस चीज को समझिए कि यही वो पीरियड है जब आपको खुद को निखारना है, ऊपर उठना है जिंदगी में, और परेशान ज्यादा नहीं होना है, दिस इज द टाइम, समझ रहे ना। और दूसरी चीज क्या है, देखिए ये जो व्यवस्था मैंने आपको पूरी बताई है, ये गोचर पर आधारित व्यवस्था है। इसमें जो प्रेडिक्शंस हैं वो मैंने ग्रहों की व्यवस्था के अनुसार किए हैं, ग्रहों की गोचरी व्यवस्था के अनुसार। इसके साथ साथ जो शनि का परिणाम होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर मेरी मकर राशि है पर हम परेशान नहीं रहे, हाँ हो सकता है, एक्सेप्शनल केस है, उसमें रीजन बहुत सारे होते हैं। अगर शनि का संबंध चंद्रमा से नहीं बन रहा हो आपकी कुंडली में, शनि की पोजीशन बहुत अच्छी हो आपकी कुंडली में, ग्रहों की महादशा और अंतरदशा योग कारक ग्रहों की चल रही हो, नवमांस में क्या पोजीशन है आपके ग्रहों की, लग्न में कुंडली में क्या पोजीशन है, सडबल में क्या स्थिति है ग्रहों की, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, देखिए सारी चीजें मैटर करती हैं। तो वो सारी चीजें मिलकर आपके प्रेडिक्शन को डिसाइड करेंगी। तो अगर आप ज्यादा परेशानी में हैं या आप और अधिक अपने बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप एक बार कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराएं और उसमें सारी चीजें एक साथ देखें कि कहां पर क्या कंडीशन है किन चीजों की, तो वो भी देखना आपके लिए जरूरी है। आपको जहां अच्छा लगे आप करा सकते हैं, वो मेरे लिए इशू नहीं है। अगर आप हमसे कराना चाहें तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेल और जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, और एक छोटी सी वीडियो में मैं बहुत नहीं बोल सकता, एक बार शनि पर कोई पर्सनल वीडियो और बनाऊंगा, पहले भी बनी हुई है पर एक बार बनाऊंगा जिसमें आप ज्यादा इन चीजों को देख पाएंगे। तो आई होप कि वो चीज आपको ज्यादा मदद करेगी, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि और कुछ अच्छी चीजें उसमें दे सकूं।
और रेमेडीज में देखिए, अभी आप जो है एक तो बुध के मंत्रों का जाप करिएगा, बुध के बीज मंत्र ओम भूम बुद्धाय नमः का जाप करिएगा। उसके साथ साथ थोड़ा पीपल वृक्ष की आप सेवा शनिवार के दिन करें। देखिए शनि के बीज मंत्रों को मत करिएगा, ये मैं स्पेशली कह रहा हूं। कुछ लोग हमेशा शनि के बीज मंत्र को इम्पोज कर देते हैं, बट मेरा ये कहना है जब साढ़े शाति चल रही हो शनिदेव को पावर नहीं दें। बीज मंत्र करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उस ग्रह की तरंगों को कुछ समय के लिए आप रोकते हैं, उसका ये भी मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू गिव पावर टू दैट प्लैनेट हु इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग यू। तो वो चीज नहीं करिएगा आप, शनि के बीज मंत्र मत करना। आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हो, आप पीपल वृक्ष की सेवा करो, उसमें जल दो, दीपक जलाओ शनिवार के दिन, ये आपके लिए बेहतर है। गुरु के बुध के बीज मंत्रों का आप जाप करिए, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करिए, ये सब चीजें आपको बेहतर रिजल्ट करेंगी। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो, लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।